दोस्तों, स्कल्पचर के बेस के लिए हमने एक पीओपी का टुकड़ा ले लिया है जो कि हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था। इसके किनारे को प्लायर की मदद से कट करते हुए एक रिदमिक शेप दे दिया है। इसके साथ एक और पीओपी का टुकड़ा ले लिया है जिसे हमने अभी बनाया हुआ है। इसके शेड को देख करके ही आपको पता चल रहा होगा। इसके ऊपर अब हम इपॉक्सी क्ले की एक लेयर लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बटरफ्लाई फेरी का एक स्टैचू बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ये हमने वायर की मदद से आर्मेचर बना लिया है। इसको हम आवश्यकता अनुसार सही शेप में मोड़ लेंगे और इसके ऊपर क्ले लगाते हुए फिगर बना लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेल या फीमेल एनाटॉमी का डिटेल मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बॉडी बन जाने के बाद कपड़ा बना लेंगे। कुछ पत्ते बना करके ऊपर चिपका देंगे।
अब हमने विंग्स के लिए आर्मेचर बना लिया है। दोस्तों इसको बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप पेपर पर पंख की आउटलाइन बना लीजिए और उसके ऊपर रख करके वायर को मोड़ लीजिए। इस प्रकार से पंख का आर्मेचर तैयार हो जाएगा। हम इसे बीच से थोड़ा सा मोड़ लेंगे और इसके ऊपर क्ले लगा देंगे। इसके ऊपर क्ले लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से स्लैब बना लेंगे और इसे आर्मेचर के ऊपर चिपका देंगे। अब पंख बनकर के तैयार हो गया है। इसमें हमने दो वायर निकाल दिया है जिसकी मदद से इसे हम शरीर से कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। पंख के बीच में कुछ बाल आ रहे हैं तो इन्हें हम तोड़ करके हटा देंगे। इसकी फिनिशिंग हम पंख लगाने के बाद में कर लेंगे। कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स बना करके यहाँ पर चिपका देंगे। यहाँ पर भी कुछ फूल और घास फूस बना करके लगा देंगे। पहले छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बना लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ते हुए हम फूल बना लेंगे। इस फूल को हमने ड्राई होने के बाद एक पतले वायर के साथ जोड़ दिया है जिसे हम इन पत्तों के साथ कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके लिए हम ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लेंगे और उसमें इन्हें लगा देंगे। दोस्तों अगर आप फूल पत्तियों को बनाने का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार से फेरी का क्ले मॉडलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कलर कर लेंगे। कलरिंग के लिए हमने एक्रेलिक कलर का उपयोग किया हुआ है। यहाँ कुछ जगह पर कलर बाकी रह गया तो इसे भी हम कलर कर लेंगे। और अंत में पंख को भी कलर करके लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट स्कल्पचर बनकर के तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।